एससी वर्मा इलेक्ट्रिक करंटिंग कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 45। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग फिगर दी हुई है और दो पॉइंट्स दिए ए और बी और उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे जो फिगर दिख रहे हैं हमें ए और बी पॉइंट इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये जो फिगर देखेंगे तो यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज में दूसरा आर रेजिस्टर है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक फिगर निकाली तो ये आर रेजिस्टर और आर रेजिस्टर सीरीज में है, तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा आर प्लस आर टू आर, मतलब ये आर प्लस आर टू आर और ये यहाँ पे ये ज्वाइन है तो ये टू आर बनेगा। तो ये आर और ए आर टू आर और टू आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके साथ फिर से पैरेलल में आ जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों का फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं पैरेलल में, तो ये आएगा आर इंटू टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस टू आर, मतलब ये आएगा टू आर स्क्वेयर अपॉन थ्री आर, ये आर चला जाएगा तो टू आर अपॉन थ्री आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से आ रहा है टू आर अपॉन थ्री, मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमें टू आर अपॉन थ्री और वो फिर या इस तरह से आएगा। तो ये फिर से ये आर और ये टू आर अपॉन थ्री सीरीज में आएगा, तो ये दोनों का मिलाकर फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और वो सीरीज में, तो उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू आर अपॉन थ्री प्लस ए वाला आर, तो ये आएगा यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो ये आएगा फाइव आर अपॉन थ्री, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया फाइव आर अपॉन थ्री, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइव आर अपॉन थ्री और ए आर, मतलब ये एंड और ए एंड, मतलब यहाँ से ए एंड और ये इस आर के लिए एंड, फिर ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे और ये बी की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये फिर से पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से आर इक्विवेलेंट आएगा फाइव आर अपॉन थ्री इंटू आर डिवाइडेड बाय फाइव आर अपॉन थ्री प्लस आर, दो रेजिस्टेंस पैरेलल है तो आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, तो इनका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये फाइव आर स्क्वेयर अपॉन थ्री होल डिवाइडेड बाय ये थ्री आर पे चले जाएंगे प्लस फाइव, तो एट आर अपॉन थ्री ये कैंसिल होगा, ये आर भी इसके साथ कैंसिल होगा तो आएगा फाइव आर अपॉन एट, मतलब यहाँ से आर इक्विवेलेंट आएगा फाइव आर डिवाइडेड बाय ये एट, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी ऑफ दिस फिगर। तो दूसरी फिगर इस तरह से दी हुई है ये ए और बी पॉइंट, तो यहाँ पे फिगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ये जो पॉइंट है ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है और ये सभी पॉइंट्स ये बी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये सभी पॉइंट्स बी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये दो थ्री रेजिस्टर्स यहाँ पे एक ये दूसरा और ये तीसरा ये तीनों रजिस्टर एक साथ कनेक्टेड है बी पॉइंट को। अब वही तीनों रजिस्टर का यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, मतलब ये तीनों रजिस्टर्स का ये आ गया कॉमन पॉइंट और ये पॉइंट के साथ और एक रजिस्टर है, मतलब यहाँ से और एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर ए के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी एक फिगर आ जाएगी और यहाँ पे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये तीनों रजिस्टर जो हो गए वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर सेम रजिस्टर्स होते तो इनका इक्विवेलेंट आता है आर अपॉन थ्री, जो भी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू है थ्री एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर और यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है थ्री, तो ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस और इसके साथ ये रजिस्टर सीरीज में तो एडिशन आएगी, तो ये आएगा थ्री आर प्लस आर फोर आर अपॉन थ्री, तो ये आएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फिगर में यहाँ पे दिया है ए पॉइंट और यहाँ पे दिया है बी पॉइंट, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ से एक रजिस्टर गया है, इसे नाम देते हैं अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये ए से एक वन रजिस्टर चला गया तो यहाँ पे ये रजिस्टर वन, फिर ए से एक दूसरा भी रजिस्टर है थ्री, तो ये रजिस्टर थ्री, ये वन हुआ ये थ्री हुआ,
अब ये बी से भी एक टू और एक फोर का रजिस्टर, मतलब ये बी से एक रजिस्टर आ गया यहाँ पे टू और एक दूसरा आ गया फोर। अब ये टू और वन रजिस्टर एक साथ कनेक्टेड है और वहां से और एक रजिस्टर है, मतलब ये वन और ये टू एक साथ कनेक्टेड है और वहां से और एक रजिस्टर है। यहाँ पे थ्री और फोर एक साथ कनेक्टेड है, मतलब ये थ्री और फोर कनेक्टेड है और यहां से एक रजिस्टर इधर, सिक्स और फाइव एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह से फिगर आएगी। अब ये आर और आर सीरीज में है तो ये आएगा टू आर। अब इसकी वैल्यू ए आर होगा, ए भी आर है, ए भी आर है और ए भी आर है, तो यहाँ पे होगा बैलेंस्ड कंडीशन, आर वन अपन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपन आर फोर। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में इसका कुछ यहाँ पे यूज नहीं होगा, इसे निकाल भी दे सकते हैं। तो ये आर और ए आर रजिस्टर, इसकी वैल्यू होगी टू आर, मतलब यहाँ पे आ गया टू आर और यहाँ पे भी आ गया टू आर, और टू आर और टू आर पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, सेम वैल्यू होगी और पैरेलल में होगा, तो जो भी रेजिस्टर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये नंबर ऑफ रेजिस्टर टू है तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा आर। इस सर्किट में इस तरह से फिगर दी हुई, हर एक का रेजिस्टेंस आर। अब एक दो तीन चार रेजिस्टर्स है वो एक के साथ कनेक्टेड है, मतलब ए पॉइंट से चार रजिस्टर निकल रहे हैं, मतलब ए पॉइंट है तो यहां से ये चार रजिस्टर्स निकल रहे हैं, ये चार रजिस्टर्स, और ये चारों रजिस्टर्स का दूसरा एंड जो रहेगा, दूसरा एंड वो बी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये बी यहाँ पे दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये चारों एंड फिर से बी के साथ कनेक्टेड है, तो ये आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हर एक की वैल्यू आर है तो आर इक्विवेलेंट बनेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इतना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस फिगर में भी यहां से अगर नेमिंग कर नंबरिंग देते हैं, वन ए टू पॉइंट ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, इसे सेवन नंबर, इसे एट नंबर और ये नाइन और ये टेन, इस तरह से। तो ए जो है ये वन के साथ कनेक्टेड है और सेवन के साथ भी कनेक्टेड है, ए जो है ये यहाँ पे सेवन के साथ कनेक्टेड है और ये वन के साथ भी कनेक्टेड है, ये वन तो सेवन मतलब ये आएगा एट और ये वन मतलब ये आएगा टू। ये बी जो पॉइंट होगा यहाँ पे बी से लेते हैं बी, तो ये बी पे बी सिक्स के साथ कनेक्टेड है और टेन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बी सिक्स के साथ कनेक्टेड है, ये सिक्स और टेन के साथ कनेक्टेड है, ये टेन के साथ कनेक्टेड है, ये सिक्स मतलब यहां पे आएगा फाइव और ये टेन मतलब यहां पे आएगा नाइन। अब ये नाइन जो होगा वो नाइन टू के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब ये नाइन टू के साथ कनेक्टेड है, ये नाइन और टू कनेक्टेड है, और यहां पे एट और फाइव कनेक्टेड है, मतलब एट और फाइव कनेक्टेड है, और ये एट यहां से आ रहा है फाइव, एट और फाइव फोर के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये एट और फाइव यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस निकालते तो फोर आएगा, और दूसरा एट टू और नाइन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये दूसरा एंड इसका टू और नाइन के साथ, मतलब ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस तरह से फिगर आएगी। अब यहाँ पे इस फिगर में हर एक ये आर है, इसकी वैल्यू आर है, ये आर और ये आर, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन है, और जो बैलेंस कंडीशन होती है तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये ना के बराबर है, और अगर ये नहीं है तो ये R और ये R ये होगा टोटल रेजिस्टेंस 2R, और ये R और ये R 2R सीरीज में है तो ये आएगा 2R, और ये आएगी पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट लिखते हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स है तो डिवाइड बाय टू, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट आता है आर अपॉन एन, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगे तब, और एन होगा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर।